नरेंद्र मोदी जी के चमचाई में उतर गए तो मीडिया के लिए ठीक। और सतपाल मलिक जी जात होने के चलते अपने दिल की बात सब दिन से बेबाकी से उनके साथ काम किए हैं, जा रहे वहां भी रहे। अमित शाह जी को सतपाल मलिक के बारे में नहीं पता है। अमित भाई ऊंट बैठिए जाता है तो गधा से ऊंचा होता है, ये याद रखिएगा। सतपाल भाई को क्या मारिएगा, एक तो चीटी मारने का आपको औकात नहीं है। ये जोगी जी कहते हैं शूटर, सबसे बड़का शूटर तो जोगी था। अगले बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर 4 मर्डर था और 2-360 केस उठा लिया। ब्रजेश सिंह पर 136 केस नहीं मारा, अपने स्वजातीय के एक क्रिमिनल को जोगी आज तक नहीं मारा। संगर भिनी धनंजय ब्रजभूषण से बड़का बलात्कारी रेपिस्ट और अपराधी कौन हो सकता है? वो कहिया मरेगा, वो उसका गाड़ी कहिया पलटेगा, उसका गाड़ी पलटेगा जोगी जी। परिस्थितियां ही जनता कुछ न, जनता को हीरो है, जनता से बड़का खतरनाक तो कोई नहीं है। जनता क्या पलटाएगी, जो अपने जीने में जनता है जनता पलटाएगी, पागल आदमी। जनता जात पात के अलावा हिंदू मियां के अलावा जनता क्या, जनता के पास है क्या? जैसा जो चाहता है जनता को कर लेता है। जनता है, जनता रहता है तो जोगी आप ये लोग रहते। पुलवामा की घटना करवा के हमने 14 तारीख को पुलवामा की घटना कर दी, हम 15 को ट्वीट किए कि पुलवामा हुआ नहीं है। आमना सरपंच हमारा 15 का ट्वीट देख लीजिए आप, ट्वीट तो है ना 15 तारीख का, उसको तो निकाल के देख लीजिए। पप्पू यादव ने क्या कहा, सरपंच जी तो बहुत पहले बोले ये बात, सबने मान लिया हो गया, सैनिक मर गए। कभी ऐसा हुआ कि एक ही गाड़ी में उधर से गाड़ी आ रही है, उसको पता है थर्मल गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ का है और उसमें सभी स्टेट का 12 स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, 12 स्टेट में 4 लाश गया, 6 लाश। ये तय था कि हर स्टेट में लाश जाना चाहिए ताकि सेंटीमेंट उन स्टेटों में ज्यादा मिले हमें, उसमें समझिए। चैलेंज है, 350 क्विंटल कहां से आया? आरटीएक्स ये चंद्रचूड़ जी से जांच करवा ले मोदी जी, हिम्मत है तो, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच कर ले, इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चलिए सुप्रीम कोर्ट भी आपको भरोसा आप रखिए, नेता और लोकतंत्र में इस भीड़ से भरोसा मत रखिए, ये बात याद रखिए। आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, अन्ना हजारे की मार्केटिंग बीजेपी ने किया था, इसीलिए हो गया था, ऐसा था इसीलिए मार्केटिंग हुई उसकी, समझे। अरविंद केजरीवाल जी बेचारे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोल के नहीं कुछ नहीं ना, सब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीजेपी वाले को मौका मिल जाएगा, इसीलिए उनके बारे में अभी कुछ नहीं। अभी एक के बात करते हैं, बहन के बारे में। भैया एक बात याद रखिए, जाट लोगों में, गुज्जर में, जाधव में, इन लोगों में बड़ी ताकत होती है, और आप लोग एक ही संस्कार खून के लोग हो, लेकिन आप लोग बटे हुए हो। तीनों चारों पांचों मिल जाओगे तो सच्चाई कहते हैं बच्चे की सौगन 2024 में इसका बाप कभी नहीं आ पाएगा यदि आप लोग मिल जाते, लेकिन आप लोग को फाड़ फूर के रख रहे हैं, सबको अलग अलग करके रख रहे हैं। दलित को भगवान भरोसे और पैसा के भरोसे रख दिया, और इधर जो लड़ने वाले का वर्ग और समूह है जो लड़ सकते हैं उसको फाड़ दिया। जब इतने ताकतवर कौन यदि हिंदू मुसलमान में फंसिएगा, जिसके पास खुद खेती करने के लिए औकात और क्षमता हो और लड़ने का जज्बात हो, हिम्मत हो। सिख है, इधर जाट है, इधर गुजर है, इधर दलित, आप हिंदुस्तान में एक होइए ना। देखिए इस देश को, बेटी को बचाना चाहते हैं ना, तो 9 महीने के बाद इनको उठा के पटकिए,
तब ही को रास्ता है, उसके पहले यदि आप नहीं मानते हैं तो 2024 के बाद सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलेगा ये, फिर ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तल पर ये आदमी यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लाएगा। आरक्षण पहले से ही गायब गुप कर दिया, सबका डिमांड है, लंबी सूची में स्टाली में लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। गरीब से इनको कोई मतलब नहीं है, नफरत है, 10 किलो आटा 15 किलो चावल पर गरीब को जिंदा रखना चाहता है, उसको कहता है कि हम तुमको दे रहे हैं खैरात है, हम लग रहे हैं कि नेता लोग अपने बाप के घर से देते हैं हम लोग को, गरीब लोगों को टैक्स वही देता है और यही लोगों को देता है। इसीलिए आप अधिक लोगों को और मजबूत लोगों को 2024 के पहले नेता से आगे होना पड़ेगा। आप आगे हो जाइए, नेता को पीछे छोड़ दीजिए तो देश बचेगा, नेता को आगे लाइएगा, आप पीछे रहिएगा तो देश नहीं बचेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। आप मजबूत वर्ग है, समूह है, शक्तिशाली वर्ग है, आप अभाव में नहीं जीते हैं, आप डरे हुए बंदे नहीं है। डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान कभी दुनिया नहीं बदल सकता, और यहाँ जो बैठे लोग हैं ना वो डर है उसके भीतर और ना वो अभाव है, इसीलिए यहाँ के बंदे दुनिया बदल सकता है। हम और मैडम लगातार इसके पहले भी जब घटना हमारी बहन बैठी थी, सब लोग जिसमें राजनीति हो गई, कुछ लोगों ने उस वक्त ही लंबा प्रोटेस्ट होता लंबा जाता तो आज तक बहुत बड़ी बात हो गई होती। बीच में हम लोगों ने किस गलतफहमी के शिकार हो गए, जंतर मंतर से बहन लोग उठ गई। मेरा आग्रह है कि हम जो मर्द लोग यहाँ आते हैं उससे बेहतर है अपने अपने बेटी बहन को यहाँ लाइए, ये इसका ख्याल रखिए। इस देश में याद रखिएगा ममता दया और करुणा, दया पर हमेशा पुअर हो गया, राजीव जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गए, मंडल आ गया, कभी कमंडल हो गया, कभी जिग्नेश आ गया, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी पट्टेदार, कभी जिन्ना, कभी डीएनए, हमेशा फालतू फालतू चीजों पर इस कंट्री में चुनाव हुआ है। इस कंट्री में मुद्दों पर चुनाव आज तक आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी नहीं हुआ, विचारों पर चुनाव नहीं हुआ, देश की ये हालात है, हमेशा सेंटीमेंट पर चुनाव हुआ है। आजादी के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर शहीद के नाम पर लंबे समय तक वोट मिली, फिर मंडल कमंडल के नाम पर, तो इसका ख्याल रखिए। पुलवामा के नाम पर बन गया, अभी आप लोग बोल रहे हैं ना कि फिर ये कोनो बारूपिया आदमी है, तो देखिए ये चाइना के बारे में कभी बोलता है, कभी अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, रूस के बारे में बोलता है, देश पूरी दुनिया लड़ रहा बोलता है, खाली पाकिस्तान के बारे में बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो आजकल का जो नया जनरेशन यूट्यूबर है जो पोर्न देखता है और फॉरेक्स में ड्रग्स लेता है, उसको हम हिंदू मियां के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर हम उसको बांट सकते हैं। पाकिस्तान के अलावे आज बीजेपी हिंदू मियां छोड़ दे और पाकिस्तान का नाम लेने वाला छोड़ दे, अमित शाह मुखिया में चुनाव नहीं जीते, याद रख, हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, और ये टीवी का सब मालिक हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, भोले से शाम, अभी भोले से शाम सतपाल मल्लिक का मामला खत्म हो गया, अतीक 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 अतीक, अरे दादा एक मदर से 40 शहादत को खत्म कर दिया, 13 लोग मरे महाराष्ट्र में अमित शाह के रैली में, उसको भी गायब कर दिया, और सीएम साहब कांग्रेस में मिल गए बीजेपी के, बाप रे बाप, बारूपिया से उसको भी गायब कर दिया, अतीक 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 अतीक, शूटर ये लोग बोलते हैं शूटर, सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, मर गए, मर, इतना मरा हमने, ऐसे ऐसे कर रहा था, क्या हुआ, सबको बड़ी मारा पुलिस,
ऐसी बड़ी बर्बादी बड़ी क्या डरपोक है ये जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा समझे अब हम कुछ नहीं कहें इससे आगे कुछ नहीं कहें ये लोग यहाँ पर चुगला से बहुत है उस युग में एक तो चुगला था तो सेमा चकेबा हो गया अब घरे घर चुगला है इसीलिए चमचा भी घरे घर चुगला भी घरे घर इसी बीच में हम लोग को लड़ना है और लड़ाई आप ही लोग के बदौलत होगी आप लोग हैं तो लड़ाई हो सकती है नहीं है तो किसी की बाप की औकात नहीं है लड़ने की आप में बड़ी ताकत है हरियाणा पंजाब और उत्तर